नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लक्सर की। आपको बता दें कि लक्सर में बीजेपी ने यहां पर चाय पर चर्चा करते हुए 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां पर पार्टी प्रत्याशी के नाम पर विचार किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने यहां पर ऐसे प्रत्याशी को टिकट देने की मांग की जिसका क्षेत्र में यहां पर विरोध ना हो। तय हुआ कि यहां पर टिकट होने पर सभी कार्यकर्ता प्रत्याशी के यहां पर नहीं बल्कि कमल के निशान के लिए काम करेंगे। वक्ताओं ने कहा कि यहां पर बीजेपी के पास हजारों लाखों यहां पर जो है समर्पित कार्यकर्ताओं की यहां पर फौज है और ऐसे में यहां पर चुनाव के दौरान सभी कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत, अनुभव और पार्टी के लिए किए गए यहां पर कार्यों के आधार पर ही बारी बारी से मौका मिलना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने तब अपने विचार रखे। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, प्रत्येक कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है, पर यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया कि जो भी प्रत्याशी पार्टी का कमल का फूल के निशान से आएगा, सभी कार्यकर्ता एक साथ तन मन धन से पार्टी का सहयोग करेंगे। इसी नारे के साथ अब की बार 60 पार के लक्ष्य को पूरा करेंगे। आज जो चाय पे चर्चा का कार्यक्रम था, उसका जो निहित उद्देश्य था, जो वास्तविकता है उस कार्यक्रम की, वो था कि लोगों को 10 साल से एक ही चेहरा देखते हुए आज उस चेहरे से कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि चेहरा बदल जाए तो पार्टी के लिए और ज्यादा अच्छा होगा। जो हमारी पिछली बार जो जीत थी वो घट गई थी, उस जीत को कार्यकर्ता बढ़ाना चाहते हैं। टिकटों को लेकर तो चर्चा नहीं हुई, लेकिन अपने लक्सर विधानसभा के विषय में चर्चा हुई है और विधानसभा के विषय में चर्चा ये हुई है, चूंकि सभी कार्यकर्ता चुनाव को लेकर गंभीर हैं और टिकट प्रत्याशी को लेकर भी गंभीर हैं, तो चुनाव के लिए यही चर्चा हुई है कि यदि प्रत्याशी पार्टी को ऐसा भेजना चाहिए जो कैपेबल हो और जिसका कम से कम लक्सर विधानसभा में विरोध ना। और खानपुर थाना क्षेत्र के बालावाली गांव निवासी 40 वर्षीय ऋषिपाल की यहां पर दो बाइक पर सवार होकर आए पड़ोसी गांव के चार युवकों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को उस समय अंजाम दिया गया जब ऋषिपाल अपने ट्रैक्टर में यहां पर डीजल भरवाने यहां पर बताया जा रहा कि कुड़ी जो है भगवतपुर जा रहा था। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है और दिन दहाड़े यहां पर हुई इस खूनी वारदात से जहां एक तरफ पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं ग्रामीणों में भी यहां पर दहशत का माहौल देखा जा रहा है। परिजनों और साथ ही यहां पर ग्रामीणों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अस्पताल में ही जमकर हंगामा किया। सीओ ने ग्रामीणों को भरोसा दिया कि यहां पर हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। आज तो ये आ रहा था तेल डलवाने के लिए पंप पे, और इसने और कोई उन्होंने आठ का गोली मार दी इसको। पुलिस पर आरोप तो हमारा ये जी उन्हें अरेस्ट आज तक नहीं करा गया। जब वो पहले भी 5-4 दिन पहले भी वो कट्टे में अरेस्ट हुआ एक उनमें से एक, वो उसके लड़के का नाम है प्रताप के, और वो आज तक फरार का फरार है। पेपर देने जा रहा जी, मेरे तो आग आग गए तेल गिरवाने जा, वैसे तो मैं इनका आग गया था जी, मुझे इनका पता नहीं था, इन्होंने ट्रैक्टर मेरे तो आग कटा जी ब्रेकर, वो मैं थोड़ा पीछे रुक गया जी, कपड़ा डिब्बा लेने लगा जी दुकान पर, तो जी चार दो मोटरसाइकिल थी जी, दो दो जने थे जी, एक आगे रुक गया पीछे तो गोली चलाया गया जी, दोनों फरार हो गए जी, इतना भी एक दिन तो भीड़ भाड़ लगी जी, मैं भी उतर कर आज मोटरसाइकिल पर। तो कुड़ी भगवानपुर में है, बता रहे एक व्यक्ति को जो है ऋषिपाल नाम के व्यक्ति को जो है दो लड़के बाइक पे आए, उन्होंने गोली मार दी है, तो उस संबंध में जो है इनसे तहरीर ली जाएगी, घर वालों से जो भी उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी, कठोरतम कार्रवाई। तो आपको बता दें कि यहाँ पर लक्सर क्षेत्र में यहाँ पर दिन दहाड़े ही यहाँ पर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके चलते यहाँ पर इलाके में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर जब अस्पताल में ही ग्रामीणों और साथ ही यहाँ पर स्थानीय लोगों ने हंगामा किया, उन्होंने कहा कि यहाँ पर और मांग की कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यहाँ पर सीओ सिटी ने जो है आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से यहां पर इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है और इसी पूरी कार्रवाई को लेकर जो है ये भी दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
आपको बता दें कि लगातार जो है इस तरह की घटनाओं में इजाफा हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया तो उसके बाद इलाके में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर अब देखना होगा इन आरोपियों को कब तक गिरफ्तार किया जाता है। और जय बात रखें जोशीमठ की, आपको बता दें अपर विभागीय पदोन्नति और साथ ही नियमितीकरण की 2 सूत्रीय मांगों को लेकर चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड बद्री केदार मंदिर समिति के यहाँ पर कर्मचारी आज एक दिवसीय सांकेतिक कलमबंद हड़ताल पर हैं। जोशीमठ मुख्यालय में यहाँ पर बताया जा रहा है कि सभी कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर देवस्थानम बोर्ड के यहाँ पर खिलाफ नारेबाजी कर कलमबंद हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों का कहना है कि यहाँ पर देवस्थानम बोर्ड बनने के बाद भी कर्मचारियों के हित में कुछ नहीं हुआ और पदोन्नति और साथ ही नियमितीकरण को लेकर दशकों से यहाँ पर अभी कुछ नहीं हुआ है, लिहाजा अब कर्मचारियों को आंदोलन की ओर साथ ही रुख करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर उखीमठ सहित अन्य जगहों पर भी कर्मचारी हड़ताल पर है। पहले मांग ये रखी है कि जो अस्थाई कर्मचारी हैं, जो अस्थाई है उनको अस्थाई रूप से कि उनका परमानेंट किया जाए, और दूसरी मांग ये है कि जो हमारी पदोन्नति है जो कर्मचारियों की उसकी पदोन्नति पे शीघ्र विचार किया जाए। एक दिन का हमने 16 दिसंबर का सांकेतिक धरना दिया है कर्मचारियों की जायज मांगे पदोन्नति एवं स्थायीकरण के लिए। यहाँ पर 2 मांगों के लिए हम लड़ रहे हैं सरकार से, और इसमें मुख्य सचिव साहब ने भी, उत्तराखंड शासन ने भी इसमें आदेश किया है सभी विभागों को। हमारे विभाग बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा है, इससे पूरे उत्तराखंड में हमारे कर्मचारी हैं ऋषिकेश से लेकर केदारनाथ तक, तो इससे सभी लोग रोष में हैं सरकार के प्रति। और जो हमारा जो विभाग है चारधाम देवस्थानम बोर्ड, वो बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा है, जिससे आज हमको आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल सक्रिय नजर आ रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा में बीजेपी नेता डॉक्टर यशपाल रावत ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ डूटियाल से यहां पर देघाट तक रोड शो किया, और इस दौरान क्षेत्र के यहां पर ग्रामीणों का अपार जन समर्थन मिला है। डॉक्टर यशपाल रावत का बीजेपी कार्यकर्ताओं और साथ ही ग्रामीणों ने यहाँ पर यशपाल रावत तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अब की बार सल्ट विधायक डॉक्टर यशपाल रावत जिंदाबाद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे जमकर यहां पर कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाए गए हैं। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा के सियालदे विकास खंड के दुरुस्त क्षेत्र डकुखेत के ग्रामीणों को यहाँ पर सल्ट बीजेपी विधायक महेश जीना ने यहाँ पर एक बड़ी सौगात दी है। इकुखेत पहुंचने पर ग्रामीणों और साथी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सल्ट विधायक महेश जीना का महेश जीना जिंदाबाद, सुरेंद्र सिंह जिंदाबाद, अमर रहे के नारे लगाकर ढोल नगाड़ो फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया।
और बालाघाट जिले की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने वाले किरनापुर विस क्षेत्र में यहाँ पर 3 बार के विधायक और साथ ही कांग्रेस शासन काल में यहाँ पर वन परिवहन और साथ ही आबकारी विभाग जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले जो है स्वर्गीय लिखीराम कावरे की यहाँ पर 22वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने और साथ ही बताया कि पूर्व सीएम और साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ हेलीकॉप्टर से किरनापुर पहुंचे। उनके साथ छिंदवाड़ा सांसद और साथ ही बेटी नकुलनाथ भी थी। और बता दें कि यहाँ पर 16 दिसंबर 1999 के यहाँ पर दरमियान रात में नक्सलियों ने यहाँ पर लिखीराम कावरे को उनके गृहग्राम सोनपुरी में गलारित कर हत्या कर दी थी। स्वर्गीय श्री लिखीराम जी कावरे की आज 22वीं पुण्यतिथि है, जो कांग्रेस के एक दैदीप्यमान सितारे होने के साथ साथ में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब एक थे तब कैबिनेट मंत्री के रूप में बहुत बड़े दर्जे में और बहुत बड़े स्तर पर उनके द्वारा काम किया गया। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का भी सेतु आगमन हुआ था और उन्हें श्रद्धा। जबलपुर के पंजाब नेशनल बैंक कॉलोनी में यहाँ पर भागवत कथा का जो है शुभारंभ किया गया। आयोजकों ने यहाँ पर बताया कि पहली बार पंजाब बैंक कॉलोनी में यहाँ पर सार्वजनिक रूप से संगीत में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 7 दिनों तक नारायण की यहाँ पर कथा होगी और कथा के प्रथम दिन महारागी की यहाँ पर कथा का भी महत्व तो जो है बताया गया। साथ ही यहाँ पर आमजन से कथा में शामिल होने की अपील की। कि आपके शहर जबलपुर में पंजाब बैंक कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। हमारी पंजाब बैंक कॉलोनी निवासी यह आयोजन करा रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का आज द्वितीय दिवस की कथा में आज भोलेनाथ माँ पार्वती का प्रसंग, सती विवाह की चरित की कथा सुनाई जा रही है। आपसे अनुरोध है, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर श्रीमद् भागवत महापुराण में सम्मिलित हों और पुण्य के भागीदार बने। हमारे क्षेत्र के सभी नागरिकों ने ठाना है कि यहाँ सार्वजनिक भागवत का आयोजन करना था। सभी की सहमति से सार्वजनिक भागवत हो रही है। वृंदावन से आए हुए परम पूज्य पंडित जी विनोद कृष्ण शास्त्री जी के मुखारविंद से भागवत का पाठ हो रहा है और आप सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि यहाँ आकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पुण्य लाभ उठाएँ और भागवत में सम्मिलित हो। मैं हरिशंकर चौबे, पंजाब बैंक कॉलोनी, जबलपुर। और जबलपुर दत्त रेजिडेंसी में यहाँ पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। उस पत्रकार वार्ता में यहाँ पर मुख्य विषय मध्य प्रदेश में यहाँ पर खो खो संघ द्वारा यहाँ पर 54वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन जबलपुर में किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता MLB खेल परिसर में यहाँ पर आयोजित और साथ ही सामने बने हुए यहाँ पर स्पोर्ट्स मैदान में की जाएगी। प्रतियोगिता में खो खो खेलने के लिए यहाँ पर भारतवर्ष के यहाँ पर कई राज्यों से महिला और पुरुष खिलाड़ी शामिल होंगे, जिसमें लगभग 1000 खिलाड़ियों के साथ यहाँ पर पदाधिकारी तकनीकी अधिकारी शामिल होंगे। तमाम राज्यों से आए हुए महिला और पुरुष खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर रहने और खाने की भी व्यवस्था की जा रही है। मैं ये मानता हूँ कि संस्कार धाने के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि 54वीं सीनियर खो खो प्रतियोगिता का मेजबान होने का मौका जबलपुर को मिला है। हम सारे जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि खो खो के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ मिलकर एक नया आयाम जबलपुर की मेजबानी का खेल क्षेत्र में स्थापित करें, जिससे को देखने के बाद अन्य खेल संघ भी विभिन्न खेलों की जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता है उनका आयोजन जबलपुर में आकर करें। जबलपुर में आयोजन हो रहा, छुट्टियों का समय है 26 दिसंबर से 30 दिसंबर, उस समय आयोजन हो रहा। राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है, खो खो का आयोजन है। देश भर से हर राज्य से टीमें आने वाली हैं। 450 महिला और 450 पुरुष खिलाड़ी हमारे बीच में 5 दिन तक लगातार रहेंगे, अपने खेल का जौहर का प्रदर्शन करेंगे। उनके साथ 100 अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। ये 1000 लोगों की व्यवस्थाओं करने की जवाबदारी मध्य प्रदेश खो खो एसोसिएशन को मिली है। हम लोग उनका सहयोग करने के लिए सब कुछ खड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जबलपुर में खेल का एक ऐसा महोत्सव बने और कि ये अपने आप को खेल धाने के रूप में स्थापित। और जिले बाद में उज्जैन क्या पता, यहाँ पर तराना के मानस भवन मंदिर के यहाँ पर पुजारी उमा त्रिवेदी के आवास पर तराना के यहाँ पर वार्ड क्रमांक 7 महिला आई और साथ ही अपने आप को यहाँ पर वैक्सीन अधिकारी बताकर आधार कार्ड मांगा। महिला आधार कार्ड लेने पहुंची और अंदर घुस यहाँ पर महिलाओं से यहाँ पर सोने की कंगन छीनने का प्रयास किया।
बुजुर्ग महिला ने यहां पर इसका विरोध किया तो यहां पर चाकू दिखाकर मारपीट की, जिसमें यहां पर महिला के हाथ में चोट आई है। लोगों की मदद मांगकर यहां पर महिला को पुलिस तक पहुंचाया गया। मामले में थाना तराना की तरफ से यहां पर FIR दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो मैंने क्या कि ये देख लो मोबाइल में, मोबाइल में देखने में वो ये अंदर आ गई। अंदर आने के बाद फिर मेरे ऊपर चाकू बताने लगे कि तुम्हारा ये चूड़ी उतारो, कान के उतारो, तुम्हारी ये अंगूठी उतारो। तो मैंने नहीं उतारा और इनका धक्का देखने में बाहर आ गए। अंदर से गेट लगा दिया, बाहर का गेट लगा दिया। बाहर का गेट लगाने में इनने जाले का दरवाजा तोड़ दिया और बाहर आ गई। वो मैं भागी वो माँ साहब के कमरे में, तो ये वहाँ भी आ गई। वहाँ भी धक्का धुमी करके मेरे पास भी झपटा झुमी करी, ये हाथ में मतलब ये चोड़ी तोड़ दी मेरी और ये सिर में 3-4 बार इंटाली की थी। दोपहर वो घर पे थी, उस समय एक महिला उसके घर पे आई और उसको घर में धक्का दे के अंदर करा और उसे बोला अपने सब जेवर जो भी उतार के दे दे। तो वो उस भाई को धक्का दे के अपने पड़ोस में दादी के गई। वो महिला भी दौड़ के पीछे वहाँ आई और उसने उसे जीना चपटी करी और उसका एक हाथ का कंगन और एक कान की बाली और मोबाइल लेके। और नागदा उज्जैन के बीच अनहेल में यहाँ पर कल दुर्घटनाओं का दिन रहा है। पूरे नगर में यहाँ पर अलग अलग जगहों पर 4 दुर्घटना घटित हुई हैं, जिसमें यहाँ पर खाच रोड से नागदा होते हुए यहाँ पर ईश्वर अंजान जो कि यहाँ पर उन्हेल आ रहे थे, जिन्हों को यहाँ पर बताया जा रहा है मोटरसाइकिल ने यहाँ पर टक्कर मार दी, जिससे कि यहाँ पर ईश्वर को काफी चोट आई है और जिसे डायल 100 की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसका इलाज किया जा रहा है। और साथ ही दूसरा महेंद्र परमार है जो कि उज्जैन निवासी हैं, जो कि यहाँ पर पिकअप वाहन की चपेट में आ गए थे और घायल हो गए। पूरा उज्जैन का रहने वाला है, ये अपनी बाइक से जा रहा था, एक पिकअप जिसमें पिकअप लेके वो खाचरों से उज्जैन तक जा रहा था। ये उज्जैन से मोटरसाइकिल वाला अपनी मोटरसाइकिल से आ रहा था, जो एक्सीडेंट हो गया आमने सामने। पिकअप ड्राइवर भाग गया, पिकअप थाने पे खड़ी कर ली है और इसमें जो घायल है मैं अपना धर्मेंद्र चौधरी 24 साल का है। और मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री पंडित गोपाल भार्गव ने अरहली में यहाँ पर इंडोर स्टेडियम बालक छात्रावास का लोकार्पण किया और अनुविभागीय अधिकारियों के ऑफिस का भी भूमि पूजन किया है। अत्याधुनिक यहाँ पर इंडोर स्टेडियम, आदिम जाति कल्याण विभाग का छात्रावास का यहाँ पर लोकार्पण और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर 85 करोड़ रुपए की लागत का अनुविभागीय अधिकारी ऑफिस का भी भूमि पूजन किया गया है। मंत्री गोपाल भार्गव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि यहाँ पर साधक आप बनो, साधन हम बनेंगे, आपको किसी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे और लगातार सरकार इसी तरीके से काम करती रहेगी। और भोपाल के जहांगीराबाद से यहां पर किडनैप हुई 4 साल की वंशिका अहिरवार का बताया जा रहा है कि 4 घंटे के बाद ही सकुशल बरामद कर लिया गया है। किडनैपर भोपाल से यहां पर किडनैप कर रायसेन जिले के यहां पर सिलवानी ले गए थे और वहां पर भोपाल की यहां पर संयुक्त टीम ने किडनैपर को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि यहां पर आरोपी नर्मदा प्रसाद हैं, उसे कई बार बच्ची के घर के आसपास भी घूमते हुए देखा गया था। भोपाल कमिश्नर ने यहां पर आरोपी गिरफ्तारी पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। ये वंशिका अहिरवार नाम की जो बच्ची है, जिसको यहाँ से एक व्यक्ति के द्वारा किडनैप करके लेके गया हुआ था, उसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें बच्ची को दस्तयाब किया है। बच्ची थाना सिलवानी क्षेत्र में साईकेड़ा जगह वहाँ से दस्तयाब हुई है। ये व्यक्ति जो आरोपी है, अपहरणकर्ता, उसका नाम नर्मदा प्रसाद है, जो कि सिलवानी क्षेत्र का रहने वाला है और यहाँ पर मजदूरी कर रहा था। उसके द्वारा पिछले 4-5 दिन से बच्ची को चॉकलेट के खिलाने के बहाने से उससे मिलता था, वो संपर्क करता था और आज मौका पाकर उसको किडनैप करके लेके गया। इसमें हमारे क्राइम ब्रांच की टीम, जहांगीराबाद की टीम, एशपाक की टीम और थाना प्रभारी सिलवानी ने काफी। राजधानी में 5 साल के मासूम की यहाँ पर हत्या के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस से पूछताछ में यहाँ पर सामने आया कि यहाँ पर महिला और साथी उसके भाई को मासूम के कत्ल का कोई अफसोस नहीं है।
पिछले 10 साल से यहाँ पर दोनों परिवारों के बीच में यहाँ पर जमीन को लेकर रंजिश चल रही थी। भोपाल के जहांगीराबाद में यहाँ पर एक महिला ने पड़ोस में ही रहने वाले 5 साल के मासूम का इसलिए कत्ल कर दिया था, वो मासूम के यहाँ पर परिवार से दुश्मनी रखती थी। दोनों परिवार के बीच पिछले 10 साल से यहाँ पर जमीन के विवाद को लेकर जो है विवाद चल रहा है और चली आ रही यहाँ पर रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया। कुछ दिन पहले मृतक के परिजनों ने यहाँ पर आरोपी महिला समरीन के भाई फरजान पर भी हमला कर दिया था और इसी का बदला लेने के लिए यहाँ पर दोनों ने तार से गला दबाकर मासूम फरदीन की हत्या कर दी थी। जो 5 वर्षीय बच्चे का जो मर्डर हुआ है, जिसमें जो आरोपी है और एक उसका भाई समरीन और फरजान को गिरफ्तार किया है, इसमें अभी तक जो पूछताछ की गई है उसमें जो उनका आपसी पारिवारिक मतभेद था वही कारण सामने आ रहा है, जो कि उनका आपसी मनमुटाव जो पिछले करीब 10-15 साल से चला आ रहा था। उस महिला का कहना है कि मतलब जो फरियादी पक्ष है उनके द्वारा उनकी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी और काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसको लेकर उसके मन में घृणा थी और इस प्रकार उसने घृणा उतारी। राजधानी भोपाल में बुधवार देर रात फॉर्च्यूनर कार ने ACP हनुमानगंज को टक्कर मार दी। एक्सीडेंट के बाद 3 थानों की पुलिस उसके पीछे पड़ गई। ऐसे में पुलिस से बचने के लिए यहां पर आरोपी ने सड़क पर एक के बाद एक 4 से ज्यादा गाड़ियों को टक्कर मारते हुए भागने की कोशिश की। इसके लिए बताया जाए कि यहां पर एक लड़के समेत 4 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आरोपी के खिलाफ जहांगीराबाद और साथ ही ईशबाग थाने में यहां पर अलग अलग FIR दर्ज की गई। गाड़ी महाराष्ट्र में यहाँ पर रहने वाली एक महिला के नाम पर बताई जा रही है। आरोपी की पहचान ईशबाग निवासी अयाज खान के रूप में हुई है और आपको बता दें कि यहाँ पर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। एक फॉर्च्यूनर कार कंट्रोल रूम तरफ से आई और इस तरफ जिसी तरफ जा रही थी उसी बीच में एक लड़की स्कूटी पे जा रही थी, उसको टक्कर मार दी। उसको टक्कर को देख के हनुमानगंज ACP साहब की गाड़ी भी आ रही थी, उसने उनका पीछा किया। पीछे करके आगे जाके एक सज्जन को और टक्कर मारी, उन्होंने फिर उसको पकड़ के ले आए हैं। फॉर्च्यूनर गाड़ी अपने कब्जे में और आरोपी को भी मिल गया है। और जो बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बरेली की, आपको बता दें कि यहाँ पर 300 बेड अस्पताल में यहाँ पर कोरोना के सैंपल को फेंका गया था। इसका वीडियो वायरल हो रहा है और जब ये मामला CMO बलबीर ADM CT के संज्ञान में आया तो यहाँ पर उन्होंने तुरंत 300 बेड कोरोना अस्पताल जाकर पुष्टि की, तो वहां पर मौके पर कुछ नहीं पाया। जबकि अस्पताल प्रभारी सतीश चंद्र ने भी यहाँ पर जानकारी ना होने की बात कही है और वहीं बताया जा रहा है कि जब जिला चिकित्सालय अधिकारी बलबीर सिंह का कहना है साजिश के तौर पर वीडियो वायरल किया गया है और वहीं ADM CT मौके पर पहुंची और साथ ही कार्रवाई करने की भी बात कही है। जांच में तो जो जहां का वीडियो और ये सब प्रिंट मीडिया में वायरल हुआ था और दिखा था तो उसको जाकर के प्लेस को देखा हूं मैं, वहां तो खाली है, यहां कुछ है नहीं, पूरा रूम खाली है, सब कुछ साफ सुथरा और वहां कोई ऐसा चीज़ दिखा नहीं, अवशेष जो है जिस जैसा कि छपा था अखबार में और सोशल मीडिया में। लेकिन फिर भी जाँच कर रहा हूँ मैं और जो जिम्मेदार यहाँ पर जो है डॉक्टर सतीश जी हैं यहाँ पर आज और उनसे भी पूछताछ की जा रही है, उनसे लिखित वर्जन भी ले रहा हूँ और उसके बाद उस लिखित वर्जन का मैं अन्य जो जानकारी हुई इस संबंध में वो आकर के मेरे कार्यालय में ADM CT के रूम में कल तक जो है लिखित या मौखिक दे। और बरेली की थाना सुभाष नगर क्षेत्र के यहाँ पर करगेना चौकी का अब एक मामला बताया जा रहा है जहाँ पर 112 नंबर पर तैनात हेड कॉन्स्टेबल ने यहाँ पर उच्चाधिकारियों के सामने खड़े होकर न्याय की गुहार लगाई। उसने बताया कि जैसे तैसे यहाँ पर करके गंगानगर कॉलोनी में यहाँ पर 100 गज का प्लॉट खरीदा था जिससे यहाँ पर बनवाने के लिए ठेकेदार से 11,95,000 रुपए ठेकेदार को ठेका दिया था और जिसको लेकर समय सीमा तय होने के बावजूद भी समय पर मकान बनवा कर नहीं दिया, जिसको लेकर हेड कॉन्स्टेबल ने और साथ ही उसकी पत्नी ने यहाँ पर SSP आकर कार्यालय पहुंची और वहां पर न्याय की गुहार लगाई है। कुमार शर्मा और बबलू को गंगानगर कॉलोनी में मेरा मकान बन रहा है लेकिन उस हम 9 लाख रुपये तक पहुँच चुका, 3 लाख का हम काम करा चुके हैं लेकिन मकान अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। चौथी इंचार्ज को करगना चौथी इंचार्ज को हमने एप्लीकेशन दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और अब हमने
थाना सुहासनगर में भी एप्लीकेशन दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने कप्तान सर को भी 3 बार मैं पेश हो चुकी हूँ लेकिन हमारे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ADG साहब के सामने भी मैं कल भी पेश हुई, 4 तारीख को भी मैंने एप्लीकेशन दी है और किला सुभाषनगर किला जो है CO साहब हैं आशीष सिंह नाम है उनका, मैंने उनको एप्लीकेशन दे चुकी। वहाँ उन्होंने लिखवा कर दिया था कि 15 अक्टूबर तक काम पूरा कराएंगे लेकिन नहीं कराया। मैं दोबारा शिकायत करने के लिए पहुँची, लिखित में भी दिया उनको लेकिन अभी तक हमारी मैडम 4 महीने से घूम रही है अधिकारी पास, कोई सुन नहीं रहा। क्या मामले में लोन लिया था 12 लाख का मकान बनाने के लिए, अब 4 महीने से आधा मकान पड़ा है और पैसा पूरा ले लिया ठेकेदार। फिर विष्णु दत्ता इंस्पेक्टर के पास बैठता है और CO किला के पास भी बैठता है वो, तारीख को इंस्पेक्टर के सामने हमें और हमारे बच्चों को जान से मारने की धमकी। ठेकेदार चौकी पर बैठे थे इंस्पेक्टर साहब और करगना चौकी इंचार्ज बैठे थे, जान से मारने की धमकी हमारे। और बरेली में विकास प्राधिकरण के JEE पर कई दिनों से आरोप प्रत्यारोप लगते आ रहे हैं जिसकी शिकायत मंडलायुक्त से भी की गई है और पता चला कि यहां पर निवासी ने जो है मंडलायुक्त को प्रार्थना पत्र सौंपा था और वो सही पाया गया। बरेली में BDO के यहां पर जूनियर इंजीनियर खुलेआम अवैध निर्माण कराकर राजस्व का भी नुकसान करवा रहे हैं। अपने क्षेत्र में यहां पर बिना नक्शापास किए हुए बिल्डिंग हॉस्पिटल और बताया जा रहा है कि यहां पर नारीवाल चौराहे बनवाए जा रहे हैं जो कि यहां पर पूर्ण रूप से अवैध हैं। जूनियर इंजीनियर अपने यहाँ पर वित्तीय लेन देन के जो है बनवा रहे हैं और इस क्षेत्र का JEE दबंग बताया जाता है उच्च अधिकारियों और साथ ही बताया जाता है कि शिकायत के बावजूद भी दबंग JEE ने हॉस्पिटल का काम नहीं रुकवाया है। और इसलिए बात करेंगे गाजियाबाद की। आपको बता दें कि यहाँ पर गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर थाने में यहाँ पर हिंदू युवा वाहिनी की यहाँ पर तहरीर पर आम आदमी पार्टी के यहाँ पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी के यहाँ पर तिरंगा यात्रा रैली में यहाँ पर तिरंगे का अपमान हुआ है, इस तरह का आरोप लगाते हुए यहाँ पर संजय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। साथ ही बताया जा रहा है कि इस पर मामले में उचित कार्रवाई करने की और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की गई है। और सरकारी बैंक के कर्मचारियों ने 2 दिन की हड़ताल की है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर यह हड़ताल निजीकरण के विरोध में है। गाजियाबाद में भी हड़ताल का प्रभाव देखने को मिल रहा है। बैंक कर्मचारी बैंक बंद कर बैंक के बाहर ही यहाँ पर मौजूद रहे और बैंक कर्मचारियों का कहना है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री अपने संबोधन में हमेशा गिनाते हैं कि यहाँ पर उन्होंने कितने खाते खुलवाए हैं और वो ये बताएं कि यहाँ पर ये खाते किन बैंकों में खुले हैं। जब 35 प्राइवेट बैंक पहले से यहाँ पर मौजूद हैं तो साथ ही यहाँ पर पूरे देश में जो कारोबार बैंक के जरिए होता है उसका 66% सरकारी बैंक करते हैं। ऐसे में क्या जरूरत है कि यहाँ पर सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण के विरोध में यहाँ पर सभी सरकारी बैंक कर्मचारियों ने 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। सबसे बड़ी और एक ही मांग है कि सरकार जो हमारे सरकारी बैंकों का निजीकरण कर रही है उसके विरोध में हम लोग हड़ताल पर हैं 2 दिन की, 16 और 17 आज और कल। और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो आज जनता को सुविधा सरकारी बैंक दे रहे हैं, मोदी जी ने जिसकी प्रशंसा की है कि सरकारी बैंकों ने इतने जनधन खाते खोले, 0 बैलेंस वाले खाते खोले, क्या प्राइवेट बैंक उतना कर पाएंगे? क्या प्राइवेट बैंक 0 बैलेंस से खाते चला पाएंगे? ये सब जनता के लिए ही नुकसान वाली चीज़ है प्राइवेट बैंक। लेकिन वो ना तो सरकार सुन रही है ना जनता तवज्जो दे रही है। ये 1969 में जब जितने भी बैंक थे सरकारीकरण क्यों हुआ? इसी कारण से हुआ कि आम जनता को बैंकों की सुविधा मिल सके। बैंकों का प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगा। सरकार जो है अपने मनमाने ढंग से बैंकों को प्राइवेट करना चाह रही है, जो कि पहले प्राइवेट ही थे और गवर्नमेंट ने उस समय बहुत सोच समझ के इनको नेशनलाइज किया था, लेकिन आज फिर सरकार उसको फिर रिवर्ट करना चाह रही है केवल इसलिए कि पूंजीपतियों के हाथ में सारा कुछ चला। पैमाने पे 10 लाख बैंक एम्प्लाइज ऑफिसर अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं क्योंकि 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उसके बाद हमने जो है बहुत गरीबों की खाते खोले, 0 खाते खोले, इनकी सरकारी योजनाएं चलाई और योजनाएं चलाने के बाद हमने जो है ये सब बैंकों का काम सही चलाया। लेकिन पिछले कुछ समय से सरकार ये बैंक पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहती है। देश में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1971 में 16 दिसंबर को भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी। इस जीत को प्रदेश विजय दिवस के रूप में मनाता है और विजय दिवस समारोह फरीदाबाद के
वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स टाउन पार्क सेक्टर 12 फरीदाबाद में मनाया गया, जिसमें यहाँ पर मुख्य अतिथि उपायुक्त जितेंद्र यादव बने और शैल स्मृति में यहाँ पर युद्ध स्मारक फरीदाबाद पर माल्यार्पण कर 1971 भारत पाक युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर डीसी ने कहा कि यहाँ पर 16 दिसंबर 1971 की ऐतिहासिक जीत की खुशी आज भी हर देशवासी के मन को उमंग से भर देती है और इसी दिन यहाँ पर भारत ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। दिसंबर 1971 में जो भारतीय सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया था, उनकी श्रद्धांजलि, उनके साहस को शत शत नमन। मैं फरीदाबाद के सभी डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर बोर्ड, सभी हमारे सैनिक जो यहाँ रह रहे हैं, उनको प्रणाम करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि उस बहादुरी का काम आज हमने यहाँ पे उन सभी अपने शहीदों को नमन किया, श्रद्धांजलि दी। और सभी फरीदाबाद के नागरिकों से मेरा संदेश है कि हम यहाँ पर सेफ हैं क्योंकि हमारे जवान बॉर्डर पे हमारी रक्षा कर रहे हैं। और चलिए बात करेंगे फरीदाबाद के, यहाँ पर सीनियर सिटीजन को उनके बच्चों ने यहाँ पर अगर परेशान किया तो अब उनकी खैर नहीं होगी। और अगर आप हरियाणा के किसी भी यहाँ पर कोने में मुसीबत में फंसे हुए हैं और पुलिस से मदद की आपको आवश्यकता है तो यहाँ पर हरियाणा पुलिस आपकी मदद करने के लिए 24 घंटे मुस्तैद रहेगी। हरियाणा पुलिस की तरफ से खासकर सीनियर सिटीजन, महिलाओं और साथ ही अन्य लोगों को यहाँ पर मदद के लिए फास्ट इमीडिएट रिस्पॉन्स FIR नाम से एक ऐप को लॉन्च कर दिया गया है, जिससे कि यहाँ पर कभी भी मदद के लिए जा सकती है। और साथ ही पूरी हरियाणा का कंट्रोल रूम फरीदाबाद में बनाया गया, जहाँ से यहाँ पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है और किस तरह से FIR पर काम की जा रहा है, साथ ही किस तरह से FIR काम करता है और कंट्रोल रूम यहाँ पर कैसे पीड़ित तक मदद पहुंचाई जाती है, इसको लेकर हरियाणा जो है आपको बता दें कि लगातार हरियाणा में इसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।